नेहरू को याद करने के लिए उनके बारे में कुछ जानने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जब आप उनके संपर्क में आते हैं उनकी एज ए हिस्टोरियन नेचुरली उनकी राइटिंग्स के थ्रू उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं देखते हैं कुछ विजुअल्स भी देखते हैं तो एक जो इम्प्रेशन आपके ऊपर रह जाता है वो ये है कि ये एक खुला व्यापक बहुत बड़ा यूनिवर्सलिस्टिक ह्यूमनस्टिक कई ऐसे वर्ड्स जो है वो आपके ध्यान में आते हैं जब आप नेहरू के बारे में सोचते हैं और एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ और ये चीज़ आपके व्याख्यान में भी सामने आई कि उनके उनके पर्सनालिटी में कहीं भी हमें संकीर्णता नैरो माइंडेडनेस नहीं दिखाई देती मैं थोड़ा सा समय लेना चाहती हूँ ये आज़ादी के पहले का जो उनका कैरियर है उनका जो जीवन है एक स्वतंत्रता संग्रामी का जो जीवन है एक फाइटर का जो जीवन है जो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उसके बगैर हम बाद के नेहरू को भी नहीं समझ सकते तो इसमें मैं शुरू करूँ थोड़ा सा आपकी बात को आगे ले जाते हुए ये नेहरू और बोस वाला जो कैरेक्टराइजेशन है भगत सिंह का बहुत इंटरेस्टिंग कीर्ति एक लेफ्ट विंग रेडिकल मैगज़ीन थी पंजाब से जो कीर्ति कम्युनिस्ट थे वो निकालते थे गदर पार्टी के वो थे नवे डिसेंडेंट्स तो उसमें ये लिखा था तो एक चीज़ जो पूर्वानंद जी ने नहीं बताई वो मैं बता देती हूँ आपको उसमें दो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कहते हैं दो तरह के लीडर होते हैं एक होते वो पंजाबी में कहते हैं एक होते हैं युग पलटू और दूसरे होते हैं राज पलटू जो एक होते हैं जो युग को बदल देते हैं एक पूरे ईरा को बदल देते हैं और एक होते हैं जो एक राज जो है उसको गिरा सकते हैं और वो ये कहते हैं कि नेहरू और सुभाष में ये फ़र्क है कि सुभाष जो है उनकी जो उनकी समझ में भगत सिंह की समझ में उनकी जो सीमा है वो राज पलटू तक है और जो नेहरू का जो विचार वो देखते हैं वो उनको लगता है कि वो एक युग पलटू के तरह के हैं तो ये बहुत ही कैरेक्टराइजेशन है यंग भगत सिंह का 1929 में जब हिंदुस्तान में एज यूथ लीडर ये दो जो है सबसे बड़े उभर के आए थे उस वक़्त अगर यूथ के कोई हीरो थे तो ये दो थे उन्नीस सौ 19 में अगर हम चले जाते हैं वापस जो पहला मास आंदोलन था 1919-20 ये रावलट सत्याग्रह उसके बाद असहयोग आंदोलन तो गांधी जी यूथ के हीरो थे गांधी जी ने सबको बाहर निकाला नेहरू के भी वो हीरो थे सरदार पटेल के हीरो थे राजेंद्र प्रसाद के हीरो थे वो थे जो सारे देश में व्यापक टूर करके हर जगह जाके गांव-गांव तक जाके वो लोगों को आगे ला रहे थे दस साल बाद या आठ या नौ साल बाद एक नई पीढ़ी आ गई थी सामने और वो नई पीढ़ी थी सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू जिसका नेतृत्व कर रहे थे और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो बहुत थी जो मेरी अगली पॉइंट है इसमें कि अब जो नया विचार हिंदुस्तान में जो आया था जो नई एक आइडियाज़ फैलने लगे वो थे समाजवाद के और समाजवाद के विचार फैलाने वाले ये दो प्रमुख नेता थे उनके दोनों में क्या फ़र्क थे समाजवाद के बारे में उनकी जो अवधारणा थी उसमें मैं आज नहीं जाऊंगी पर ये दोनों नेता थे जो समाजवाद के विचारों को और खासकर यूथ में एक नई ऑर्गेनाइजेशन यूथ लीग्स के नाम से बहुत पॉपुलर हुई थी जो हवा की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी हर छोटे छोटे शहरों में यूथ लीग्स बनने लगी जो कि कांग्रेस का हिस्सा ही थी पर यूथ के लिए तो ये एक तरह से चाहे वो पद थे केरला में उनके हीरो भी नेहरू थे इसी तरह से एक जैसे दौर चला तो ये नेहरू का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आज तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं बोस की नहीं कर रहे जो ये उन्होंने नेतृत्व दिया ये नए यूथ को और एक नई जनरेशन जो है स्वतंत्रता संग्राम में आई हर दौर में एक नई जनरेशन आती है तभी एक मूवमेंट जो है तभी जो आंदोलन जो है इतना लंबा जो चला वो वाइब्रेंट रहता है वो जीवित रहता है तो ये जो इन्होंने एक स्फूर्ति पैदा की इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका नतीजा हम साइमन कमीशन एजिटेशन में देखते हैं जो 28 में हुई और फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है सॉल्ट मार्च और ये वाला जो दौर चलता है इसका नतीजा हम इसमें देखते हैं और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसकी बहुत चर्चा हुई लोहिया जयप्रकाश ये सारे लोग उन्नीस सौ तीस वाला जो दौर है उस पर उभरने शुरू होते हैं तो ये मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हम थोड़ा और आगे जाती हूँ क्रोनोलॉजिकली तो छत्तीस सैंतीस में जो चुनाव हुए जो पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हिंदुस्तान में रीजनल लेवल पे जहाँ पे पहली बार पॉपुलर गवर्नमेंट्स बनी बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें बनी उसका जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें जवाहरलाल नेहरू का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था गांधी जी अब तक ये वाला काम नहीं करते थे हर जगह जाके मोबिलाइज करने का रीजनल लीडर्स बहुत पावरफुल थे हर जगह सरदार पटेल गुजरात में है राजेंद्र बाबू यहाँ हैं राजा जी वहाँ हैं पर अगर ऑल इंडिया लीडर आप ढूंढें जो ऑल इंडिया में मोबिलाइज़ करता है और ऑल इंडिया से जो लोग हैं सारी जनता जिसके साथ आइडेंटिफाई कर सकती है तो ये आप छत्तीस सैंतीस के चुनाव में आप देख लीजिए पता नहीं पैंतीस हज़ार किलोमीटर या कितना उन्होंने दौरा किया था और गांव गांव में गए और इस इस आंदोलन के जो मेन मोबिलाइज़र थे वो जवाहरलाल नेहरू थे तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हालांकि आपको मालूम है कि वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ में ऑफिस लेने के ख़िलाफ़ थे परंतु का ये बाद में सोचेंगे ऑफिस लेना है कि नहीं इलेक्शन कैंपेन एक प्रोपागेंडा का तरीका है तो उन्होंने पूरा जी जान से ये इलेक्शन कैंपेन लड़ा पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी इस इलेक्शन कैंपेन में कौन सा आइडिया था आज़ादी का आइडिया तो था ही कि हमें आज़ादी चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि अंग्रेज हमें एक्सप्लॉयट करते हैं वो सब तो था ही पर उसके साथ एक सबसे बड़ा विचार जो फैलाया उन्होंने वो था समाजवाद का तो अगर हमारे देश में समाजवाद का विचार जो है वो फैला और वो एक तरह से पॉपुलर लेवल तक गया तो इसमें हम सिर्फ वामपंथी पार्टियों का या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एज अ पार्टी का अगर हम रोल देखेंगे लोहिया और जयप्रकाश का देखेंगे और जवाहरलाल नेहरू का नहीं देखेंगे तो कहीं पे बात जो है बिल्कुल अधूरी रह जाएगी क्योंकि एकदम पॉपुलर लेवल की मैं बात कर रही हूँ गांव-गांव में जाके जो इत पूरे हिंदुस्तान में जाके अगर ये हर स्पीच में वो सोशलिज्म की बात करते थे और वो उस वक़्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो इसका मतलब ये था कि समाजवाद के विचार की जो एक प्रेस्टीज बनी कांग्रेस प्रेसिडेंट के मुंह से आ रही है ये कोई एक छोटा मोटा ग्रुप या कोई यहाँ का लीडर या वहाँ का लीडर नहीं कह रहा है तो ये बात लोगों के मन में जो है बहुत दूर तक ये फैली ये कॉन्ट्रीब्यूशन उनका जो है बहुत ही मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आइडियाज़ के आ, स्तर पे ऑर्गेनाइजेशनली क्या हुआ बाद में क्या हुआ वो अलग की बात है थोड़ा सा वापस जाऊंगी 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने सिविल लिबर्टीज यूनियन का आ, की स्थापना की और उनका जो सिविल लिबर्टीज़ में जो विश्वास था वो आखिर तक ये एक चीज़ है जिस पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं पाएंगे चाहे उनकी पूरी जो प्राइम मिनिस्टरशिप का पीरियड भी आप देख लीजिए फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल ये कहीं भी आप वीकनेस जो है कहीं भी आप नहीं पाएंगे ना गांधी जी में पाएंगे ना जवाहरलाल नेहरू में पाएंगे वो बार बार ये कहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है नॉट ओनली क्रिटिसिज्म इनफैक्ट गांधी जी के तो वर्ड्स हैं you must have the freedom to even plan projects of revolution line jo hai wo violence pe aati hai but jahan tak baat karne ki baat hai even a project of revolution is within the ambit of सिविल uh, लिबर्टीज और नेहरू तो बिल्कुल इसको बात बात वो कहते हैं कि वो criticism, वो civil liberty क्या हुई जो कि तारीफ हुई Freedom to praise तो हर एक को पसंद है किसको प्रॉब्लम है फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ही है क्रिटिसिज्म और शार्प क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग द राइट टू कंप्लीटली डिनाई योर पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रीडम दूसरी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके खिलाफ ज्यादातर इस्तेमाल होती है नेचुरली गवर्नमेंट के खिलाफ क्योंकि हमारा क्रिटिक तो गवर्नमेंट का ही और स्टेट का ही होगा तो ये जो नोशन है फ्रीडम का ये नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हर एक लेवल पे। फिर हम आते हैं 1931 में कराची रेजोल्यूशन कराची रेजोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं समझती हूँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिकर्सर है इसमें बहुत सारी पूरा रेजोल्यूशन जो है बेसिक जो आइडियाज़ आते हैं बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के हों चाहे वो द राइट टू यूनियनाइज वुमेन्स राइट्स वर्कर्स राइट्स पेसेंट्स राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू फॉर्म यूनियंस कराची रेजोल्यूशन एक छोटा सा है मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसको एक बार पढ़ लें क्योंकि एक बहुत ही रेडिकल एक कंसेप्शन जो है ये गांधी जी और नेहरू दोनों ने इकट्ठा तैयार किया था गांधी जी ने भी उसमें संशोधन किए थे तो ये एक तरह से टॉप लीडरशिप का कॉन्ट्रीब्यूशन था और पूरे कांग्रेस ने इसको 1931 में एक्सेप्ट किया था इसमें टेनेंसी राइट्स बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल राइट्स जो हैं पूरे इसका कंसेप्शन इसमें पूरी तरह से है तो ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो कराची रेजोल्यूशन का था डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप पहले बता ही चुके हैं पर उसको पॉपुलराइज किया जवाहरलाल नेहरू ने बहुत जोरों से खासकर 36, 37 से लेके बहुत सारी कैंपेन उन्होंने किया इसके ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जो कि हिंदुस्तान को हक दे कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए मैं उसमें नहीं जा रही कि आखिर में वैसा क्यों नहीं हो पाया वो आपको भी मालूम है अभी भी मालूम है कि सकम्स कुछ अलग थे उस वक़्त एक और चीज़ है 1938 में उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमिटी की स्थापना की है ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप ये सोचिए अभी आज़ादी दस साल बाद मिलनी है और किसी को मालूम नहीं अभी कब मिलेगी पर यह कंसेप्शन कि हमें जो आज़ादी आएगी उसके लिए हमें प्लान करना है और डिटेल में प्लान करना है नेशनल प्लानिंग कमिटी के जो चेयरमैन बनाया सुभाष बोस को और उसके पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स बने हैं हरेक को इंचार्ज बनाया बहुत कोई रिनाउंड इंटेलेक्चुअल रिनाउंड लीडर को जो हरेक सेक्टर का जो है इंडिया की इकोनॉमी का सोसाइटी का उसकी प्लानिंग करे पब्लिक सेक्टर होना है कि नहीं इंडस्ट्री में क्या होना है एग्रीकल्चर में क्या होना है शिक्षा में क्या होना है ये सारी चीज़ों की प्लानिंग जो है वो आज़ादी के दस साल पहले शुरू हो गई थी ऐसे ही नहीं प्लानिंग कमीशन बना ऐसे ही नहीं इतनी जल्दी जल्दी फिफ्टीज़ uh, में जो है तरक्की हुई ये सारी प्लानिंग ये सारा कंसेंसस बिल्डिंग सबसे ज़रूरी बात है कि इन सब तरीकों के थ्रू आप पूरे लीडरशिप और जो एक्टिव इंटेलेक्चुअल्स हैं कार्डर हैं उनको इन्वॉल्व करके कंट्री का फ्यूचर बना रहे हैं तो वो सब उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और बाद में भी जब उसको इम्प्लीमेंट करना है सब उसको अपनाते हैं क्योंकि सब उसका हिस्सा रहे हैं ये किसी एक आदमी के दिमाग की आ, उपज नहीं थी पर यह जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कांग्रेस की तरफ से फॉर्म की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिर मुझे लगता है कि 1942-45 का जो पीरियड है जब वो जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट चली तो आपको मालूम है पूरी नेशनल लीडरशिप जो थी जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से लेके कस्तूरबा गांधी तक जितने भी थे सबके सब जेल में थे तीन पूरे साल गांधी जी को पहले छोड़ दिया था चवालीस में क्योंकि उनकी तबियत खराब थी अब वो तीन साल कैसे बिताए जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहले भी किताबें लिखी है मैं इसको क्यों एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मानती हूँ ये जो उन्होंने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका आप टाइटल सोच लीजिए वो क्या ढूंढ रहे हैं वो इंडिया ढूंढ रहे हैं क्या इंडिया ढूंढ रहे हैं वो जानते हैं कि अब आजादी की लड़ाई जो है वो खत्म होने आ रही है सबको पता है तो अब जवाहरलाल नेहरू जो ढूंढ रहे हैं जो उस किताब में लिखते हैं कि ये जो नया हिंदुस्तान बनेगा ये क्या होगा इसकी पहचान क्या होगी उसकी पहचान को ढूंढने के लिए वो भारत के प्राचीन इतिहास में जाते हैं वहां उसको खोजते हैं तो पूरी एक लंबी कहानी हिंदुस्तान की बताते हैं कि ये हिंदुस्तान कैसे बना इसका कल्चर क्या है इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कंसेप्शन जो है वो फ्यूचर का हिंदुस्तान क्योंकि अब जो मूवमेंट है अब जो यूनिटी है इंडिपेंडेंस के बाद यूनिटी अंग्रेज़ों के खिलाफ वाली बात तो ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर हम इकट्ठे क्यों रहे पूरा नोशन ऑफ़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कल्चरल यूनिटी कहाँ से आती है हिंदुस्तान की उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक नैरो माइंडेड नहीं है उनका कंसेप्शन हिंदू कल्चर का बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशन है जो हिस्ट्री है उसकी पूरी डाइवर्सिटी को वो लाते हैं उसमें बुद्धा अशोक सब है अकबर है तो ये पूरी जो चीज़ है मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है और एक ये फाउंडेशनल अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करूँ ये नया जो एक हिंदुस्तान बनना है नया जो राष्ट्र बनना है उसका एक फाउंडेशनल टेक्स्ट इस तरह से तैयार हो जाता है इंडिपेंडेंस वाली बात को मैं एक ट्रांज़िशन पॉइंट पे ला के ख़त्म करती हूँ कि 1946 में जब इंटरम गवर्नमेंट बनी आज़ादी के एक साल तकरीबन पहले तो इंटरेम गवर्नमेंट के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू बने प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते थे उस वक़्त प्रेजिडेंट ऑफ़ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ़ द इंटेरियम गवर्नमेंट उनको कहते थे तो वाइस रॉय भी थे पर ये काफ़ी पावर्स जो थे इस वक्त इंटेरियम गवर्नमेंट के पास आए हालांकि अंग्रेज़ पूरा राज कर रहे थे उस वक्त तो इस पीरियड का भी जो कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू का हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं दो चीज़ें हैं एक तो इस वक्त नगोशियशन चल रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर के कैसे पावर ट्रांसफर होना है और इस वक्त बहुत पेचीदा मामले हैं इसी पीरियड में सारा पाकिस्तान बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा क्या नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इस सारे निगोशिएशन में जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही क्रूशल रोल है गांधी जी का भी बिल्कुल क्रूशल रोल है लोग आजकल कहना वो हो गया कि गांधी जी तो अलग बैठ गए थे और सरदार पटेल और नेहरू जी थे उन्होंने आपस में बैठ के सारे फैसले कर लिए ये बिल्कुल सच नहीं है कोई ऐसा निगोशिएशन नहीं था जिसमें गांधी जी आ, शामिल नहीं थे कैबिनेट मिशन जब हिंदुस्तान आया गांधी जी बिल्कुल दिल्ली में थे रोज उनको दो बारी तीन बारी कंसल्ट किया जाता था शिमला कॉन्फ्रेंस हुई गांधी जी शिमला गए ऐसी कोई बात नहीं नोआखली में वो गए थे जब वहाँ राइट्स हुए 46 के एंड में पर इसका मतलब नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं थी वहाँ रेगुलरली उनके पास कम्युनिकेशन जाता था बड़े बड़े लीडर सब वहाँ तक जाते थे तो ये बहुत क्रूशल रोल जो है जवाहरलाल नेहरू का ये पूरे ट्रांजिशन में भी उनका बहुत क्रूशल जो रोल है रहा है और इस पीरियड का जो मैं एक चीज़ जिसके ऊपर आपको आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो है बिहार में इस वक्त बहुत ही जोरों से कम्युनल राइट हुए एक तरह से वन साइडेड आप कह सकते हैं कलकत्ते में जैसे हम ग्रेट कैलकटा की लिंक कहते हैं अगस्त में जो जिन्ना ने कॉल दिया डायरेक्ट एक्शन का तो वहाँ पे बहुत बड़ा रायट हुआ था बहुत सारे लोग मरे थे शुरू किया मुसलमानों की तरफ से फिर रिटाइल हुआ कहते हैं पाँच हजार लोग के करीब उसमें मरे तो उसका रिएक्शन कई जगह हुआ एक बिहार में हुआ एक बंगाल में नोआखली में हुआ नोआखली की कहानी मैं आज नहीं सुनाना चाहती हूँ वो गांधी जी वाली कहानी है आप लोग जानते होंगे तो जवाहरलाल नेहरू का जो एक नया रोल जो कि उनका ये रोल 46 अक्टूबर से लेके मैं कहूँगी कि जब तक ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता ये एक फेज़ है 46 से लेके 51 तक का जब मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे अहम जो मुद्दा रहता है वो ये है कि जो कम्युनल सिचुएशन ग्राउंड पे डेवलप हो गई है जिस तरह का वायलेंस पॉपुलर लेवल पे जो वायलेंस हो रहा है हर जगह वो फैलना शुरू हो जाता है 46 से इसको किस तरह रोकना है इस सिचुएशन को किस तरह पलटना है इस, इस 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 इतने बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं क्राइसिस को किस तरह से हैंडल करना है तो कहानी 46 से शुरू हो जाती है क्योंकि ये बिहार में जब क्रिमिनल राइट right होता है तो वो एग्जांपल मुझे लगता है कि वो कंटिनुअस्ली उनका एक रवैया बनता है तब से जो कि कंटिन्यूसली हमें देखने में मिलता है तो वो क्या करते हैं जवाहरलाल नेहरू वहाँ से ख़बर मिलती है कि दो तीन बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है पटना के आसपास गया मुंगेर पटना और ये बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है आजकल के डिस्ट्रिक्ट नहीं जिनमें एकदम से वायलेंस फैल जाता है और बहुत मैसिव स्केल uh, पे जो है मैसकरी एक तरह से होता है मुस्लिम्स uh, का हिंदू मजॉरिटी एरियाज़ है तो जवाहरलाल नेहरू अपनी तकरीबन पूरी कैबिनेट को ले पटना पहुंच जाते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सबको मोबिलाइज़ करते हैं और जब मैं क्यों सबको ले जाते हैं यहाँ से आचार्य कृपलानी भी जाते हैं जयप्रकाश नारायण भी जाते हैं मौलाना आज़ाद जाते हैं सरदार पटेल जाते हैं एक मुस्लिम लीग ही था उसको भी ले गए साथ उनके कैबिनेट का मेम्बर था कि तुम भी चलो और वहाँ जाके गाँव गाँव में फैल जाते हैं पुलिस का इस्तेमाल करते हैं आर्मी का इस्तेमाल करते हैं एरियल बॉम्बार्डमेंट का इस्तेमाल करते हैं कैंपेनिंग का इस्तेमाल करते हैं काडर का इस्तेमाल करते हैं खुद एकदम जगह जगह जाके पब्लिक मीटिंग्स करते हैं ये नहीं कि वायलेंस के सिर्फ सप्रेस कर दिया साथ, साथ में कैंपेन चल रहा है साथ साथ में वो चल रहा है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि दो हफ्ते भी नहीं लगे दस दिन में इतना बड़ा इलाका जो था वो एकदम शांत हो गया और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक ये मामला जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा वो, वो नहीं दिल्ली में बैठ के डायरेक्शन नहीं दिए आजकल तो लोग दिल्ली में बैठ के भी डायरेक्शन नहीं देते पर वो वहां जाके खुद हर जगह वो गए और लोगों को कहा कांग्रेस वर्कर्स को कहा कि अगर तुम इस हिंसा को रोकते रोकते अपनी जान नहीं दोगे तो तुम्हारी सारी जो जो कहते हो कि मैं आज़ादी के लिए लड़ता हूँ ये सब एकदम झूठा है जान देने तक को उन्होंने लोगों को कहा कि चाहे जान जाए पर तुमको ये वायलेंस जो है इसको रोकना है तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसके बाद मैं जो बताना चाह रही हूँ यही यही कहानी एक तरह से अगस्त 1947 जैसे ही आज़ादी हुई आपको मालूम ही है कि आज़ादी के होते होते ही साथ में नॉर्थ इंडिया में खासकर इधर पंजाब और दिल्ली में कम्युनल वायलेंस एकदम आग की तरह फैलना शुरू हो गया 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली सितंबर के पहले हफ्ते में मतलब 15 बी और 20 दिन के बीच में दिल्ली शहर में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट थी नेहरू खुद वहां पे थे वहां पे मासकर हो गया मुस्लिम्स का 2000 मुस्लिम जो है वो मारे गए सिख और हिंदू रिफ्यूजी जो आए थे बहुत गु़स्से में आए थे बहुत नाराज़ आए थे उनको उकसाया गया और एकदम यहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो बड़े पैमाने पे मिलिट्री वगैरह सब कुछ किया गया इमरजेंसी कमिटीज़ बनाई गई और वही जैसे बिहार में हुआ दो हफ्ते के अंदर जो था मामला कंट्रोल में आया कोई डेढ़ लाख से दो लाख मुसलमान रिफ्यूजी कैंप्स में रखे गए शहर से थोड़ा बाहर और थोड़े दिन बाद उनको सब वापस जो है सेटल की करने का काम शुरू हो गया परंतु इस पीरियड में इस पीरियड में जो जिस तरह का उनका जो रवैया था जवाहरलाल नेहरू का मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह का उन्होंने एटीट्यूड अपनाया और किस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग थी दो तीन उनके जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ और किस तरह के अश्योरेंसिस वो लोगों के देते कि आज की जो भाषा है और उन जमाने की जो भाषा है उसमें थोड़ा फर्क दिखाने के लिए मैं आपको एक फीलिंग उसका दिला, दिलाना चाहती हूँ इनफैक्ट मैं शुरू करना चाहूंगी 16 अगस्त जब पहला जो पहली जो लाल किले से स्पीच दी थी उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद वो 16 अगस्त को दी थी नॉट 15 अगस्त क्योंकि 15 अगस्त 14 अगस्त की रात को सेंट्रल असेंबली में वो ट्रांसफर ऑफ पार हुआ था तो 16 अगस्त की सुबह जब वो वहाँ से बोलते हैं तिरंगा लहरा के तो तब उन्होंने सबसे पहला ये कहा द फर्स्ट चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट विल बी टू इस्टेब्लिश एंड मेनटेन पीस एंड इंक्वालिटी इन द लैंड

एक्ट नया लाया जा रहा है ये सब चीजें जो गांधी नेहरू पटेल हर एक में आपको मिल जाएंगी ये कि इंडियन सिटीजनशिप का मतलब क्या है और कंसेप्शन क्या था ये हमें याद करने की बहुत जरूरत है जवाहरलाल नेहरू खुद जो है सड़कों पे घूमते थे और जहां उनको दिखता था कि क्राउड इकट्ठे हो रहे हैं और वायलेंस का खतरा है तो खुद कूद पड़ते थे मुजीब एम मुजीब बहुत माने हुए वाइस चांसलर भी रहे वो बाद में जामिया के उन्होंने अपने मेमोयर्स में लिखा है कि वंस द प्राइम मिनिस्टर केम टू जामिया मिलिया एट अबाउट मिडनाइट ही इंस्पेक्टेड द अरेंजमेंट्स मेड फॉर प्रोटेक्शन क्योंकि उनको खबर मिली थी कि आसपास के गांव के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और जामिया मिलिया पे अटैक होने वाला है तो सिर्फ उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए फोर्स नहीं भेजा खुद वहां पहुंच गए एंड ही स्टेड टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग उसके और डिटेल के अकाउंट भी आप पढ़ सकते हैं कि वो बैठ गए वहाँ पे और सुबह तक वो वापस नहीं गए इस तरह का पर्सनल उनका जो इंटरवेंशन और कमिटमेंट उस जमाने में था अब जब ये दिल्ली में जब डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इस तरह का राइट होता है तो अब जवाहरलाल नेहरू सोचने लगते हैं कि ये क्या क्या हुआ क्या ये किस तरह से हमारे नाक के नीचे हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं मिला हमें क्या बात है कि इस तरह से इस तरह की बात हो गई तो इस वक्त फाइनली जो उन कंक्लूजन पे वो पहुंचते हैं वो जो चीफ मिनिस्टर्स को सात दिसंबर उन्नीस को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कि वो ये बताते हैं कि देखिए ये जो राइट्स हुए हैं ये अपने आप से नहीं हुए हमें पता लगा है कि एक संस्था थी जो कि इसके पीछे है और यहाँ पे पैम्फलेट्स वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए एक हफ्ता पहले और उसमें ये सब चीज़ें थीं और उन्होंने कहा कि ये संस्था जो है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ पहली बारी नेहरू के रिकॉर्ड में ये चीज़ हमें सितंबर के बाद मिलनी शुरू हो जाती है उनकी चिट्ठियों में बाय नेम वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यहाँ पे इस तरह के दंगे फसाद का काम कर रही है और इस तरह के साम्प्रदायिक विचारधारा जो है फैला रही है और इनफैक्ट उसके इमीजिएटली बाद वो जो चिट्ठी जो मैंने मैंशन किया उसमें लिखते हैं द आर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन द नेचर ऑफ अ प्राइवेट आर्मी and which is डेफिनेटली प्रोसीडिंग ऑन the स्ट्रिक स्ट्रिक्टस्ट नाथसी लाइन्स ये एक नाथसीवादी संस्था है और ये एक प्राइवेट आर्मी की तरह काम करती है और इस तरह से ये आ, अपना ये फैला रही है और उसके फिर उन्होंने कहा इसके लीडर ये कहते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल बॉडी बट देर कैन बी नो डाउट डेट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम इज़ पोलिटिकल इंटेंसली कम्यूनल एंड बेस्ड ऑन वायलेंट एक्टिविटीज फिर आपको मालूम है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या आ, की जाती है उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू का और पूरी गवर्नमेंट का जो रवैया बनता है ये सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वो और भी ज़्यादा कड़ा हो जाता है सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे आ, उन्होंने इशू किया कम्युनिकेट जो आरएसएस को बैन किया गया फोर्थ फेबर 1948 को 25,000 आरएसएस के कार्यकर्ता को जेल में डाला गया उसके बाद बहुत फरमाइशें करते रहे आरएसएस के चीफ जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठियां लिखी कि मुझे मिलो जेल से कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब आपके गलत धारणा है तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको जवाब दिया कि नहीं मुझे सब पता है कि आप लोग क्या काम करते हो क्या नहीं कहते हो आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो इसलिए अभी मैं कोई आपसे मिलना नहीं चाहता और कोई भी रिहाई विहाई की कोई भी बात नहीं करना चाहता और इसी स्पिरिट में जो है पूरा पीरियड जो 47 से लेके अगर हम 50 तक 51 तक का पीरियड देखें तो काफ़ी सारी चिट्ठियाँ कम कम से कम हर फोर्ट में वो चिट्ठी लिखते थे कुछ वो स्पेशल लेटर्स लिखते थे मैंने इसको एनालाइज किया एक भी चिट्ठी नहीं है जो वो मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं जिसमें वो आरएसएस और उसकी एक्टिविटीज़ का जिक्र नहीं करते तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया की पूरी कहानी जैसे उन्होंने कहा वो सुनाते हैं उसमें कि वहां अमेरिका में क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है पर एक चीज़ जो वो कभी नहीं भूलते वो उनको सतर्क करते रहते हैं कि ये डेंजर है इसको अगर कंट्रोल नहीं करके रखोगे तो अभी और दूसरा वो ये कहते हैं कि आप लोगों को शायद समझ नहीं है कि हमारा देश कितने बड़े हादसे से बचा है अगर जो दिल्ली में आग लगी थी अगर वो वेस्टर्न यूपी फैल जाती है एक बारी और आगे जो है कोई उसको रोक नहीं सकता था पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो है उसकी लपेट में आ जाता तो ये डेंजर है गांधी जी हत्या के बाद वो कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ के कि ये एक पूरा षड्यंत्र है दिस इज कॉन्स्पिरेसी इट इज अ कॉन्स्पिर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट टू चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड मोर मर्डर्स व प्लैंड इट इट वो वर्ड यूज करते हैं कि ये कू डेटा प्लान किया गया था तो ये बार बार सतर्क करते रहते हैं लोगों को कि आप जो है देखिए कि कितना बड़ा डेंजर हम लोगों ने जो है इसको हमने आ, उसको किसी तरह से हमने कंट्रोल किया है 51 में जो इलेक्शंस फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जब आ, होते हैं हमारे तो जवाहरलाल नेहरू वे वो बहुत परेशान थे आप सोचेंगे कि इतना इतना गड़बड़ हो रहा है रिफ्यूजी प्रॉब्लम है कम्युनल वायलेंस है ये है, वो है वो चाहेंगे कि इलेक्शन थोड़ा और स्थगित कर दिया जाए ताकि टाइम मिल जाए कुछ संभालने का नहीं वो बहुत नाराज़ है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है और सारा टाइम इलेक्शन कमिश्नर को कहते रहते हैं कि जल्दी करो इलेक्शन जल्दी कराओ इतना बड़ा एक इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना पहला इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे अंग्रेजों के नीचे एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था तेरह परसेंट पॉपुलेशन को सिर्फ वोट था अंग्रेजों के नीचे कभी हम सोचे कि उस वक्त हमारे पास प्रजातंत्र था पहली बार ये अडल्ट फ्रेंचाइज दुनिया में कहीं नहीं था इतने बड़े पैमाने में एक जनरल इलेक्शन कभी हुआ हो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड उसकी पूरी तैयारी करनी थी तो टाइम तो लगता था पर वो बहुत थे फाइनली जब इलेक्शन अनाउंस हुआ और उनका जो कैंपेन किया और ऑल इंडिया कैंपेन नेहरू ने किया उसी तरह पूरा और उस ज़माने में इतने हेलीकॉप्टर और ये सब तो नहीं होते थे बहुत जगह बहुत तरह तरह के साधनों से जाना पड़ता था तो पूरा इंडिया कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो आबादी थी उस वक़्त उसके शायद दस परसेंट हिस्से को उन्होंने डायरेक्टली संबोधित किया फ इतना बड़ा देश उसकी 10 परसेंट आजादी को डायरेक्टली उन्होंने संबोधित किया एक ही आदमी ने इतने जगह जगह जाके कंटिन्यूसली और उनकी कैंपेन में एक ही मुद्दा था कि हम कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जो मुद्दा आज फिर से हमारे सामने है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या सेक्युलर देश बनेगा धर्मनिरपेक्ष बनेगा जिसमें सबके लिए जगह है वैसा बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा और उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्यों नहीं बनाना चाहिए हमारी आज़ादी की लड़ाई में हम किसके लिए लड़े हैं महात्मा गांधी किसके लिए लड़े हम क्या चाहते हैं हमारी ट्रेडिशन ये सारी चीज जो है एक ही पॉइंट पर उन्होंने पूरा कैंपेन किया गरीबी भी बहुत थी अनएम्प्लॉयमेंट थी सब कुछ था पर उन्नीस सौ इक्यावन का जो इलेक्शन कैंपेन था और फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन ऑफ इंडिया उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा यहाँ पे इस देश के सोल का सवाल है जो महात्मा गांधी ने भी कहा था इफ द सोल ऑफ इंडिया इज लॉस्ट जब वो नवाखली गए थे तो हमारे पास क्या बचा हुआ रह जाएगा क्या क्या आजादी रह जाएगी अगर उसका सोल ही खत्म हो गया तो ये लड़ाई भी जो थी आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो मैं कहने कहा कि आज फिर ये बड़े बड़े सवाल हमारे सामने फिर से आ गए हैं ये लड़ाई उन्होंने लड़ी और खूब जोरों से जीती आप पता नहीं कितने आप आंकड़े याद हैं कि नहीं है टोटल जो हिंदू कम्युनल पार्टीज आप जिनको कह सकते हो जनसंघ एक राम राज परिषद था एक हिंदू महासभा थे टोटल मिला के उनको दस सीट मिले और टोटल मिला के उनको छह परसेंट वोट दिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने तो रिजाउंडिंग डिफीट जो था इस, इस विचारधारा का हुआ और इसके बाद वो जो है बहुत दिन तक कम से कम एक दशक जो है गांधी जी की जो एक बहुत बड़ी जो सक्रीफाइस थी उनकी लाइफ की और ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो हार हुई तो हमारे देश को एक ब्रीदिंग एक, स्पेस एक मिला एक नेशन बिल्डिंग का ब्रीदिंग स्पेस जिसको फिर जवाहरलाल नेहरू इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे कैबिनेट के साथ अपने सब लीडर्स के साथ हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक नया आज़ाद भारत नेहरू का भारत बनाने के लिए